हेलो गाइज, वेलकम बैक। एंड टुडे वी आर प्लेइंग सुनो रनर। सो अपन लेके आ चुके एक और एपिसोड सुनो रनर का, ठीक है। सो लास्ट वाले एपिसोड में यार हम यहाँ तक पहुंच चुके थे एक्सप्लोर करते हुए, और अपन वहीं पे माउंटेन पे खड़े हुए हैं अभी, हिल पे, ठीक है। सो आज हम यहाँ से जाने वाले हैं आगे। ओके, सो आज हम जाने वाले हैं कहाँ कहाँ पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो फिलहाल अपने को जाना है यहाँ से सीधा नीचे उतर के, इस वाले रोड से होते हुए हम जाएंगे, क्योंकि दूसरे मैप में अभी अभी नहीं जाना है अपने को। ओ, अपने को जाना है इस वाले वॉच टावर पे। सो मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट जहां तक अपन जा पाए, और किसी तरह से ये ट्रक भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रक पड़ा हुआ है, ये भी अनलॉक हो जाए तो बैटरी रहेगा अपने लिए। प्लस यहाँ से एक रोड जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये इधर घूम के जा सकता है। ओके, सो वो अपन ट्राई कर सकते हैं। सो मैं एक बार यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, एंड नेक्स्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला अनलॉक करना है अपने को, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट इन पे। सो फिलहाल अपन चलते हैं यहाँ से नीचे उतरते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी। ओके, सो अपन इस्तेमाल कर रहे थे मोड वाली गाड़ी। सो इस वाले मैप में अपन मोड वाली कार इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा हट के, क्योंकि भाई बहुत ही ओवर पावर्ड गाड़ी है, कहीं पे फंसती नहीं है, बस थोड़ा खतरा है इसका, थोड़ा पलट सकती है, बस इतना खतरा जरूर है इस गाड़ी से, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। प्लस मे बी क्योंकि भाई ये मॉडेड गाड़ी है, लेकिन अगर गेम वाली गाड़ी होती तो बताइए भाई आप लोगों को फिजिक्स इतनी ज़बरदस्त होती, क्योंकि ये मोड वाली है इसलिए इतना ज़्यादा फिजिक्स इसका है नहीं, क्योंकि ये कहीं पे फंस नहीं रही है, एंड देन वो सब चीज़ें। तो बेसिकली जो गेम ने खुद गाड़ी दिए हैं, मतलब गाड़ी दी हुई है, उनको चलाने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो उनकी फिजिक्स वगैरह सब कुछ हर एक गाड़ी के हिसाब से डिज़ाइन करी हुई होती है। ओ भाई 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 भाई, गड्ढे हैं यहाँ पे, पलट ना जाए कहीं। सो आराम चलते हैं यहाँ से। ओके चलो भाई, यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है टनल की तरफ जाने के लिए, और इधर डैम की तरफ जाने के लिए। चलो इधर ही चलना है अपने को, तो यही रास्ता से निकल लेते हैं आगे। बाकी अपने पास ओनली 12 लीटर फ्यूल बचा है, सो फ्यूल की टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि हम चले थे तब अपन ने फ्यूल बहुत सारा लोड कर लिया था, बिकॉज ये गाड़ी है मॉडेड, तो बहुत सारा फ्यूल इसमें लोड है अपने पास, 2000 लीटर फ्यूल है। ओके, सो मैं करता हूँ रिफ्यूल पहले, क्योंकि ये रेड आइकन अपना स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, 1000, ओ रिपेयर नहीं करना अपने को, रिफ्यूल करना था, सॉरी, रिफ्यूल, यस। तो यहाँ पे 1000 है अपने पास, और नेक्स्ट वाले पे भी 1000 है, रूफटॉप वाले। सो मैं ट्राई करता हूँ कि रूफटॉप से इस्तेमाल करने का। ओके, सो अपन यहाँ इस गाड़ी में फ्यूल भर लेते हैं 72 लीटर। ओके, सो फ्यूल की टेंशन है ही नहीं भाई अपने को, और मे बी रिपेयर के लिए अपने पास बहुत कुछ होगा। यस, 10,000 रिपेयर अपने पास, और 10,000 ही भाई रूफ टॉप पे भी दिखा रहा है, वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रक और था, वो दिख रहा है मेरे को यहाँ से। ओ भाई सीरियसली, यहाँ पे तो भाई इसी गाड़ी की ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि कितना ज़बरदस्त कीचड़ है यहाँ पे, क्या हम इसके अंदर से निकल सकते हैं? ओ भाई, इस गाड़ी को मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, वाह। सीरियसली, अगर अपनी दूसरी गाड़ी होती ना तो यहाँ से निकल ही नहीं पाती, वाह, ये तो कमाल है भाई। या फिर मेरे को लग रहा है ये रास्ता शायद उधर जाने के लिए, तो मेन में भी कम कीचड़ दी हुई है, लिटरली आई डोंट नो, बट ये गाड़ी तो ऐसे निकल रही जैसे कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी भरा हुआ है ओनली, कीचड़ तो है ही नहीं। बाकी खैर मोडेड गाड़ी है तो इससे फ़र्क पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो चुकी है अपनी गाड़ी, क्योंकि अब लगना स्टार्ट हो गया इसको कीचड़ है। सो मे बी दूसरी गाड़ियाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए यहाँ से निकलना। सो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी डिलीवरी लेके जानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये रास्ता जाएगा दूसरे मैप की तरफ, अगर अपने को यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट मारना है तो, क्योंकि मेन वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, पूरे रास्ते घूम के आना पड़ेगा राइट से, इसलिए। बाकी भाई पानी तो ज़बरदस्त भरा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो कितना खतरनाक सीन चल रहा है गाड़ी के साथ, नेक्स्ट लेवल। चलो भाई, लेकिन सीरियसली इसको कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा है, वाह। सो मैं राइट में ले रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मेरे को ट्रक की तरफ जाना है, और भाई ये गाड़ी नहीं फंसेगी तो अपन कहीं से घुस सकते हैं। सो ये ठीक है, ओ ये कौन सा था, ट्रेन स्टार था, मतलब प्रॉमिस स्टार, ऐसा नाम था कुछ इस ट्रक का। ओके, वाओ,
इंटरनेशनल ट्रांसिस्टर। ओके सो ये अनलॉक हो चुका है, तो इसको रिपेयर वगैरह कुछ बोल रहा है कर सकते हैं तो, क्योंकि अपने पास तो भाई अनलिमिटेड चल रहे हैं फिलहाल, तो यूँ समझ लो ऑलमोस्ट। चलो भाई रिपेयर कर लेते हैं पहले। सो ये वाली गाड़ी नहीं करनी मेरे को, इंटरनेशनल वाला करना है। सो ऑल कर देता हूँ सब कुछ एक बार में ही, रिपेयर एंड पर वाले का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे को, बैक करना है और रिफ्यूल भी कर देना है। ओके इसको रिफ्यूल नहीं करना है, इसको करना है 265। ओके 182 ये इनफ। चलो भाई उसको ड्राइव करके देख लेते हैं चलता कैसा है, क्योंकि इतने खतरनाक तरीके से पानी में खड़ा करके रखा ट्रक, कुछ तो थोड़ा बैटरी होगा मे बी। चलो भाई वैसे तो पीछे डबल व्हील्स हैं प्लस डबल वैसे हैं। ओके नाइस। और मेरे को देख के ऐसा लग क्यों रहा है कि ये 6x6 नहीं है, आई डोंट नो, हो भी सकता। चलो फिलहाल ब्रेक हटाया मैंने, इंजन स्टार्ट नहीं है, 6x6 नहीं है शायद, लगवाना पड़ेगा इसके अंदर। वाह ये तो ग्रेट है भाई, ये चांद नहीं निकलने का। विंच, सीरियसली विंच नहीं है, विंच क्यों नहीं ले रहा है ऑटोमेटिक, आई डोंट नो, ये विंच ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले रहा है। ओ भाई गाड़ी गाड़ी देख रहे अपनी जबरदस्त भाई जबरदस्त। ओके सो भाई मेरे को लग रहा है अपनी गाड़ी पे चलना चाहिए, उस गाड़ी के जरिए खींच सकते हैं इसको, मे बी नो इश्यू, इसको निकाल के लेके जा सकते हैं। वैसे ही गाड़ी मोडेड है तो आराम से लेके जाएगी निकाल के, नो इश्यू। बाकी इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। ओके मे बी वो भी अपने आप ही चलेगा मे बी, यस यप। ओ भाई आगे से उठ रही गाड़ी, इतना भारी भरकम ट्रक खींच रही है एटलीस्ट, ये अच्छी बात। तो विंच थोड़ा कम कर लेते हैं अपन, इतना ही नाम है। चलो भाई ये जबरदस्त है, यहाँ पे अपने को इंजन की ज़रूरत थी और भी पावर वाला की, तो भाई पूरी उड़ जाती गाड़ी आगे। ओके अभी तो वैसे चल रहा है वो, कोई इशू नहीं है पानी के अंदर से भी, इसको निकाल के सड़क पे कर देते हैं एटलीस्ट, ताकि बाद में अपन इसको यहाँ से, वैसे तो यहाँ से भी सीधा गैराज पे अपन लेके जा सकते हैं नो इशू, बट थोड़ा सा फन हो जाएगा अपने लिए, ठीक है थोड़ा रेस्क्यू टाइप बन गया जबरदस्त। सो देखते हैं अपन पहुंचा पाते हैं कि नहीं वहाँ पे। बाकी यहाँ पे कीचड़ थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ नोटिस करने वाली, जितना ज़्यादा ट्रक वो पीछे वाला एक जगह रहेगा उतना ही ज़्यादा दस्त जाएगा, बिकॉज उसके भी टायर घूम रहे हैं। ओके सो उतना ही ज़्यादा कीचड़ बनाएगा एक जगह जगह खड़ा हुआ। और वैसे अपनी गाड़ी कीचड़ बना के जा रही है वैसे तो, और पीछे से वो भी बना के हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा हार्ड रहेगा उसके लिए भी। बाकी इधर से निकाल देंगे अपन इसको, लट्स गो भाई लट्स गो। ओके इजी इजी रेस्क्यू यार, इजी रेस्क्यू। वैसे पता है बहुत हार्ड था, अगर अपन मोड़ी मोड़ वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो। भाई देख रहे हो टायर टायर फिरिए ओ भाई चल भाई चल, आगे वाले टायर तो अब वर्क करना स्टार्ट करें। ओके वैसे यहाँ से रास्ता जा रहा है लेफ्ट में, सो मे बी इनफ है भाई, यहीं पे रोक देते हैं इस ट्रक को, वैसे भी ये गैराज पे लेके जाना है सो यहाँ पे इनफ है। एंड यहाँ से मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट वाले रास्ते को ले लूँ यहाँ से, ठीक है सो हो सकता है उस तरफ जाएंगे अपन। सो अभी निकल रहे हैं लेफ्ट, ओके सो मे बी यहाँ पे थोड़ा कीचड़ वैसे कम है, नॉर्मल गाड़ी भी चली जाती शायद, जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज ये इसके टायर भी ज़बरदस्त है भाई। ओ कीचड़ भाई, ओ वेट 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 आराम से भाई, ये कब पलट जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हो हाइट काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ी की मतलब चौड़ाई भी थोड़ी कम ही है,
पलटने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको, हाइट ज़्यादा है, जितनी चौड़ाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं है इसकी, हल्का सा देना चाहिए था, हल्का सा थोड़ा। चलो फिलहाल कोई इशू नहीं है, हम लोग चढ़ गए हैं, बस पलटते पलटते बच गए हैं। ओके तो अगर यही गाड़ी पलट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ बाकी मैं यहाँ पे दिन कर लेता हूँ। ओके थोड़ा चलो अभी ठीक है। और यहाँ पे भाई एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। चलो भाई अपना स्क्रीनशॉट कंप्लीट, स्क्रीनशॉट हैज बीन सेव्ड गैलरी। ओके ठीक है भाई, हमें भी यही करना था। सो यहाँ से निकलते, वॉच टावर भी नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर है, तो मे भी काफ़ी लंबा रास्ता रहेगा उधर घूम के जाने के लिए। और भाई मैं थोड़ा कम ही रिस्क ले रहा हूँ इस गाड़ी को फर्स्ट पर्सन चलाने का, बिकॉज ये कभी पलट जाए कुछ भरोसा नहीं है। और भाई अगर अपन चौड़े वाले टायर लगवा लाते तो इसमें, ओ यहाँ पे तो कीचड़ भी है। ओके यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे टायर भिड़ ही नहीं रहे नीचे। सो जबरदस्त भाई, कुछ नेक्स्ट लेवल है ये तो। ओके ओ यहाँ पे एक ट्रेलर खड़ा हुआ है। मे बी ये रास्ते क्या घूम घूम किधर किधर जा रहे भाई, इधर से रास्ता जा रहा है घूम के, उधर कहीं जा रहा होगा, इधर कहीं रास्ते जा रहे हैं। ओके वेट वेट वेट, मैं आपको थोड़ा घुमाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ओके सो मे बी ये रास्ता इधर से घूम के आ रहा है शायद शायद शायद। ओके 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 ओके, सो मे बी ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। सो ये पूरा इधर गोल गोल घूम के माउंटेन से घूम घूम के जा रहा है डैम की तरफ। ओके सो अभी अपन जा रहे हैं वॉच टावर की तरफ, सो इस साइड से जाना पड़ेगा अपने को। और यहाँ पे ट्रेलर भी खड़ा हुआ था, तो नाइस, ट्रेलर मतलब खड़ा है तो मनी है मतलब उधर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ओ एक टावर देख रहे हो पहाड़ के ऊपर, मे बी वहाँ से तो अपन आए थे। ओ सीरियस भाई, डेड में ठोक दी गाड़ी। चल भाई चल, इतना टाइम लगता है गियर बदलने में सीरियसली, इतनी देर में तो एक्सीडेंट हो जाएगा पहाड़ से अगर गिर गए तो। चल भाई चल, यहाँ पे तो अपन फर्स्ट पर्सन भी चला सकते हैं वैसे, पक्की पक्की रोड बनाई हुई है, नो इश्यू। चलो भाई कुछ ट्री टूटी पड़ी हैं सड़क पे, वैसे अपन एक ट्राई कर सकते हैं अपन, या तो पूरा घूम के रास्ता देखें या फिर यहीं से चढ़ जाएं, चढ़ जाएगी वैसे गाड़ी, ओ ज़्यादा ऊपर देख नहीं सकते मैं तो। ओ ओके ओके, थोड़ा कैमरा पीछे करना पड़ता है। सो यहाँ पे कुछ रॉक्स का जबरदस्त है भाई, मे बी ये पहाड़ यहाँ से रॉक्स काट के बनाया होगा, सो सीन थोड़ा जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे, कहीं पक्की सड़क है कहीं पे कच्ची सड़क है, जबरदस्त मतलब मैप तो जबरदस्त है भाई, इधर तो ट्रक चलाने में नेक्स्ट लेवल ही मजे आएंगे। बाकी इधर से क्या है ये, ओके यहाँ से वैसे जा सकते हैं नीचे इजी यार, यहाँ पे ट्रेलर खड़ा हो गया। यस ओ वाओ, अपन इतनी दूर से घूम के आने की जरूरत नहीं थी, वाओ सीधा इधर से आ सकते थे वैसे। थोड़ा स्लो स्लो चलते नीचे, पलट ना जाए, पलटने का खतरा है इस गाड़ी का, सबसे बड़ा खतरा पलटने का, देख रहे हो कितना ईजी है, इतनी दूर घूम के आने की जरूरत नहीं थी वैसे। चलो यहाँ पे कुछ स्पेयर पार्ट भी रखे हुए हैं, तो कोई मिशन में ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ये ट्रेलर उठा लेंगे यहाँ से। चलो भाई वापस चढ़ जाते हैं, थोड़ा देख के चढ़ना पड़ेगा। ओ इतना इजी है, वाओ मतलब अपने को कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मॉन्स्टर ट्रक लेके आए हो अपन गेम में। ओ भाई आराम से आराम से आराम से, वाओ दो मतलब रॉक्स आगे पीछे लग गए थे तो कुछ नहीं हो सकता था भाई, विंच का सहारा लेना पड़ा अपने को पहली बार इस गाड़ी में। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, देख रहे हो सड़क टूटी हुई है, अगर यहाँ पे एक टायर झुक का गाड़ी जाएगी नीचे सीधी। ओ भाई ये तो जबरदस्त सीन है, यहाँ से तो देख रहे हो खतरनाक सीन आ रहा है, नाइस। चलो भाई अपन वॉश पॉइंट की तरफ ही जा रहे हैं, वॉश टावर की तरफ। सो रास्ता कुछ ज़्यादा लंबा दे दिया घुमा घुमा के, 35 किलोमीटर की स्पीड से भगा सकते हो। ओके यहाँ से मे भी पानी वगैरह कुछ आया होगा बह के,
चलो भाई अपन ने फाइनली टर्न मार लिया और अपन पहुंच गए इधर, और जहां से भी बैरिकेडिंग टूटी हुई है थोड़ी। ओके वाओ, वो रॉक्स है क्या? यस रॉक्स है। फिर कैसा लगा? बोट खड़ी लिटरली। चलो भाई अपन घूम घूम के कोशिश कर रहे हैं पूरा चढ़ जाए एटलीस्ट ऊपर। सो अभी अपना मिशन जा रही है वहाँ तक पहुँचने का। पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा उधर पहुँचने में। वाओ ओ भाई, मतलब कि यार जबरदस्त लकड़ी का ब्रिज है भाई इधर। वाओ ये हुई ना कुछ जबरदस्त बात, मतलब ऊपर चढ़ने का फायदा हुआ है कुछ तो। गजब देखा अपन ने इधर, बीच बीच में ऐसे कारनामे आते रहे तो थोड़ा मजा आएगा। बाकी इधर से वो पानी वाला रास्ता था। ओके तो ये सही बनाया, मतलब कि कहीं पे रोड कच्चा है कहीं पे पक्का है, तो यहाँ पे मतलब लोड्स लेके जाएंगे ना ड्राइव करके। वैसे यार एक चीज़ होनी चाहिए थी इस गेम में ना, जैसे अपन नॉर्मली स्पिन टायर में खेलते थे अपनी लॉग्स होते थे, उस तरह के लॉग तो है नहीं भाई इधर। इधर तो बस लकड़ियाँ मतलब वैसी रखी जाती है, मतलब कि एकदम तैयार वाली सीधा ट्रक के अंदर ही, पूरा वैसा नहीं रखा जाता यहाँ पे। ओ फ्यूल ख़त्म हो गया, तभी मैं सोचूँ इतना देर क्यों चल रहा है ट्रक भाई। ब्रेक 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 ब्रेक, आगे रॉक्स भी हैं वैसे। सो मे बी यार रिफ्यूल करना पड़ेगा पहले। रिफ्यूल कर लेते हैं। चल भाई रिफ्यूल हो गया अपना ट्रक, अभी निकलता है। ओके सो यहाँ पे भी कुछ रॉक्स पड़े ही हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेट, और मे बी वॉच टावर के लिए यहाँ से जा सकते हैं अपन। वैसे ये रास्ता खैर अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाता है। सो वॉच टावर के लग अलग से रास्ता जा रहा है वैसे, यहाँ से राइट में भी जा रहा है एक, दो रास्ते में से यहाँ से नहीं, दूसरा रास्ता तो शायद ऐसे ही ऊपर चढ़ने के लिए मे बी। सो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा लेफ्ट से जाने का बाकी, क्योंकि मेरे को खतरा है इस गाड़ी का, क्योंकि ये पलट सकती है यार, बहुत ही हाइट है वैसे इस गाड़ी की। ओके 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 ओके, कभी भी कांड हो सकता है इस गाड़ी के साथ में। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपन। ये जबरदस्त, ये हुई ना बात अनलॉक। ये चलो भाई थोड़ा यहाँ का नज़ारा ले लेते हैं। ओ सो इस वाले मैप में एक रास्ता यहाँ पे भी है, दूसरे मैप में जाने के लिए प्लस एक रास्ता यहाँ पे भी है। ओके एंड एक रास्ता यहाँ पे भी है, जहाँ पे भी दे देते एक रास्ता, हर जगह दिया है तो। ओके सो अपन यहाँ पे हैं। ओके सो देख रहे हो पूरा रास्ता कितना घुमा घुमा के जाना पड़ रहा है उधर, ये डैम की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे मैं भी माइनिंग एरिया है। वाओ ग्रेट, सो यहाँ पे भी घूमेंगे। ओके तो लेकिन फिलहाल तो अपने को इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ है, तो ये अपन सब वेयर हाउस वगैरह देखते हुए चलेंगे यहाँ से होते हुए, क्योंकि अपग्रेड भी है इधर, और अपने को जाना है इस वाले के लिए। चलो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। चलो भाई बैग आ जा, बैग 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 इजी। गोइंग अंडर, न्यू ऑब्जेक्टिव डिस्कवर्ड। ओ भाई प्लट मत जाइए, मैं यहीं से गुजार रहा हूँ। ओके सो अभी अपन आ चुके हैं वापस से अपने रास्ते पे, और अभी चलते हैं वेयर हाउस की तरफ। नाइस, वैसे अपन अपना आइडिया ठीक ही निकल रहा है अब तक, रास्ते से अपन जो भी घूम के आ रहे हैं भाई एटलीस्ट इस रास्ते से जाना चाहिए तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आइडिया अपना सही काम कर रहा है। नाइस, चलो भाई अपने को वेयर हाउस भी आने वाला है। मे बी ये क्या ट्रेलर स्टोर है क्या ये? देखते अंदर, ट्रेलर स्टोर लग रहा है मेरे को तो, ऐसा लग रहा है ये ट्रेलर स्टोर है, ये यहाँ से ट्रेलर बाय कर सकते कुछ भी। सो ओ इसके पीछे ये ट्रेलर लगा सकते हैं सीरियसली। ट्राई फॉर, ओ मतलब ये गाड़ी जबरदस्त है भाई, मोडेड है ना इसीलिए।
सो बहुत सारे ट्रेलर्स वगैरह लगा सकते हैं इसमें, तो ये ट्रेलर स्टोर रहेगा तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा बिकॉज जी वेयरहाउस के पास में ही है। मान लो अपन ट्रक लेके आ गए हैं और अपने को शायद ऐसे ही, मान लो कि अपने को डबल डिलीवरी लेके जानी, मतलब कि दो चीज़ें लेके जानी है, सो अपन ट्रक में एक ही लेके जा सकते हैं ना, तो दूसरे के लिए सीधा आए यहाँ पे और ट्रेलर बाई किया एंड वेयर हाउस पे, इजी वापस से गैराज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सही है यार यहाँ पे। बाकी ये चीज़ क्या है, टाइम वाली डिलीवरी है, टाइम टू टाइम वाली। सो ये कॉन्टेस्ट है, मेरे को ये नहीं पता इसके मिशन होते कैसे हैं, अच्छा मैं कर भी लूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मे बी आई डोंट नो। रिस्टार्ट ना क्लोज शीशे क्लोज, लेकिन मेरे को ये कॉन्टेस्ट नहीं लेना है। सो ये कुछ दिखा रहा है, ओ इतने टाइम पे कहीं पे पहुंचाना है, ओके। सो मे बी ये था गोइंग अंडा, कैंसिल कॉन्टेस्ट अभी नहीं करना भाई, ये हम बाद में करेंगे, ओके लेट्स गो। शायद ये टाइम पे पहुंचानी होती है इसमें डिलीवरी, जैसे एक बार वापस जाता हूँ मैं, इस पर टाइम लिखा होगा कि ये चीज़ यहाँ पे पहुँचानी है, मे बी ऐसा कुछ देख रहे हो नीचे लिखा हुआ, 8 मिनट में यहाँ पे पहुँचानी है शायद। मैक्सिमम 200 डैमेज अलाउड है, गैराज पे बिल्कुल नहीं जाना है, ट्रक बिल्कुल चेंज नहीं करना है, रिकवर करना ही नहीं है, तो से 200 से ज़्यादा डैमेज लेना ही नहीं है तो ही ये मिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, फेल हो जाएगा बीच में। सो जितना भी अपन ने काम करा वो सारा वेस्ट जाएगा। ग्रेट, सो फिलहाल अपन निकलते हैं नेक्स्ट वाले उसकी तरफ, तो फिलहाल तो अपन मैप घूम रहे तो उसी पे ध्यान देते हैं, लेट्स गो। मेरे को ऐसा लग रहा है आगे से दो रास्ते जा रहे हैं। ओ ओके ओके ओके, ये वाला जा रहा था उधर दूसरे मैप में, चलो दूसरे मैप में जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं फिलहाल नहीं जा रहा, ओके सो अपन चलते इधर, लेट्स गो। वेट वेट वेट, अभी निकलता, अभी दिन हो गया थोड़ा, ठीक है ओके भाई। यहाँ पे कीचड़ भी है थोड़ा, ट्रक को मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा इधर से निकलने के लिए। बाकी रास्ते इसमें काफ़ी सही है, देख रहे हो ना, आधी बार तो इस गाड़ी के साथ ऐसा होता है कि टायर आधे इधर निकल जाते, लेकिन ट्रक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज वो गेम के ही ट्रक हैं। और नो शायद अपन गलत रास्ते से आ गए, मे बी यस गलत रास्ते से आ गए अपन, इधर इधर आ गए, वैसे अपन इधर नहीं जाना, इधर इस वाले रास्ते से जाना था, ओके वेट वेट वेट, बैक लेते हैं। बाकी अपन होके आ सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं तो वैसे, और अपने को वॉच पॉइंट पे भी जाना है, सो नो प्रॉब्लम। ये भाई यहाँ पे घर है, ओके बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई इतने सारे रास्ते हैं ना, ध्यान नहीं रहता किधर जाना है, मुझे लगा ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वैसे पता है अभी तक डैमेज नहीं हुआ यार इस गाड़ी में एक भी, ओनली फ्यूल फ्यूल खत्म हो रहा है भाई। चलो अभी ये रास्ता सही जा रहा है, ओ एक तरफ बड़ा था भाई, चलो भाई अभी जाना आराम से नीचे उतर के, और वॉच टावर तो काफ़ी दूर है वैसे अपना, ओके मेरे को नहीं पता रास्ता कहाँ से जा रहा है लेकिन उधर। बाकी वेट 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 वेट, यहाँ से जा रहे हैं ना अपन, ओ नो सीरियसली उधर रास्ता कहाँ से जा रहा है, ये तो रास्ता तो यहीं तक जा रहा है बस, टोल्स डिलीवरी लिटरली, ये इसके ऊपर से जा सकता है कि नहीं भाई, कांड हो गया अपने साथ। मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को अपग्रेड लेके ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, इस वाले रास्ते से ये वाला अपग्रेड लेते हैं,
उसके बाद इस वाले रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा मे बी, ये क्रॉस करके इधर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इधर कोई रास्ता है। देखे पूरा पानी पानी है आगे, और ये बीच में पत्थर शायद थोड़ी दूर है, आगे नहीं है। सो वो चीज़ देखनी पड़ेगी अपने को। चलो भाई एटलीस्ट अपन यहाँ पे आए हैं तो ये तो देख के जाएंगे आगे, और फिलहाल अपग्रेड लेते हैं, इट्स अपग्रेड टाइम। चल भाई नाइस। चलो सस्पेंशन के लिए देख लेते कौन कौन से ट्रक्स के लिए, ये वैसे वाइट वेस्टर्न स्टार के लिए ओनली, ओके नो इशू। सो अभी हम जाने वाले हैं आगे वाले इस पे गैराज पे, गैराज कुछ ये ट्रेलर टाइप कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं भाई, प्लाट मत जाइए, और देखते भाई वहाँ से निकल सकते कि नहीं निकल सकते। वैसे रास्ता वो यहाँ पे है, नहीं यार इस पे तो नहीं निकल पाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा ट्रक अपनी गाड़ी, अपने को वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। देख रहे हो उधर की साइड से पूरा, तो फिलहाल अपन चलते हैं यहाँ पे। वैसे भी अपना एपिसोड यार काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, और यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। और भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो भाई, लाइक तो अभी स्टार्टिंग में कर दिया करो, और कमेंट कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय।